गिरिजा, यतिन और जुबिन ये तीनों पार्टनर्स हैं इन द रेशो 5:3:2। इन्होंने सुरेश को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/5 शेयर और आपसे कहा गया है कि इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए क्या होगा। तो बच्चों, इस टाइप में ये नहीं बताया गया कि पुराने पार्टनर्स कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, और ना ही ये बताया गया है कि नया पार्टनर अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो ऐसे में हम ये मानते हैं कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ऐसे में बच्चों, इन तीनों का सेक्रीफाइस कुछ ऐसे निकलेगा। पहले गिरिजा का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। तो गिरिजा का सेक्रीफाइस आएगा नए पार्टनर का शेयर इनटू हर ओल्ड शेयर, ये मानते हुए कि वो अपने पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रही है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम यतिन का सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। नए पार्टनर का शेयर इनटू हिज ओल्ड शेयर, ये आ जाएगा बच्चों 3/50। ये आ गया यतिन का सेक्रीफाइस। ऐसे ही सेक्रीफाइस निकालेंगे हम लोग जुबिन का। नए पार्टनर का शेयर इनटू हिज ओल्ड शेयर, ये आ गया 2/50। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको, इन सभी पार्टनर्स के सेक्रीफाइस को इनके पुराने शेयर में से माइनस कर दीजिए ताकि इनका नया शेयर मिल जाए। तो गिरिजा का नया शेयर आएगा हर ओल्ड शेयर जो कि 5/10 है, माइनस हर सेक्रीफाइस जो कि 5/50 है, ये आ जाएगा 20/50। यतिन का नया शेयर निकालना है तो उसका पुराना शेयर जो कि 3/10 है, माइनस उसका सेक्रीफाइस जो कि 3/50 है, ये आ जाएगा 12/50। जुबिन का नया शेयर निकालना है तो उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस, ये आ जाएगा बच्चों 8/50। और जो नया पार्टनर है सुरेश, उसका नया शेयर तो हमें पता ही है बच्चों, 1/5। बस इसे थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर भी 50 आ सके। तो उसके लिए हमने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका नया शेयर कहलाएगा 10/50, जो कि 1/5 के बराबर ही होता है। तो अब इनका न्यू रेशियो क्या हो गया बच्चों, सभी के नए शेयर को कंपेयर करिए। 20:12:8:10 या फिर 10:6:4:5। वैसे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मांगा नहीं है, लेकिन जब आप इनके सेक्रीफाइस को कंपेयर करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आएगा 5:3:2, जो कि इनके ओल्ड शेयर के बराबर ही है। ए और बी पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 7:5। इन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/6 शेयर, और सी जो है वो अपना शेयर जो है वो ए और बी से कुछ इस तरह से लेगा। वो 1/24 शेयर लेगा ए से और 1/8 शेयर लेगा वो बी से। तो यहाँ पर बच्चों, नए पार्टनर ने बता रखा है कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। उसने बताया है कि वो एग्जैक्टली 1/24 लेगा ए से और एग्जैक्टली 1/8 लेगा बी से। तो जितना वो ए से लेगा वो ए का सेक्रीफाइस हो जाएगा, जितना वो बी से लेगा वो बी का सेक्रीफाइस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ए का सेक्रीफाइस हुआ 1/24, बी का सेक्रीफाइस हुआ जितना सी बी से लेगा। ठीक है बच्चों, दैट इज 1/8। हम बी के सेक्रीफाइस को 3/24 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जितना सी ने ए से लिया वो ए का सेक्रीफाइस, जितना सी ने बी से लिया वो बी का सेक्रीफाइस। आप इनके सेक्रीफाइस जोड़ के देख सकते हैं, 1/24 + 3/24 होता है 4/24,
जिसको हम 1/6 भी कह सकते हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें क्लियरली बता रखा है कि C एग्जैक्टली A से कितना ले रहा है और एग्जैक्टली B से कितना ले रहा है। ठीक है बच्चों, अब रही बात इनके नए शेयर निकालने की, तो A और B का नए शेयर निकालने के लिए इनके पुराने शेयर में से इनके सेक्रीफाइस को आपको माइनस करना है। A का पुराना शेयर है 7/12, A का सेक्रीफाइस है 1/24। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 13/24। बी का नया शेयर निकालना है तो बी के पुराने शेयर यानी कि 5/12 में से बी का सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए जो कि है 3/24। आप 1/8 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तब भी सेम आंसर आएगा 7/24। मैंने यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर इसलिए इक्वल कर लिया ताकि इनका कंपैरिजन करना आसान हो जाए। अब जैसे अगर आपको बताना है कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं 1:3। ठीक है बच्चों, दैट्स वाई मैंने इसको ऐसे किया। सी का नया शेयर हमें पता ही है बच्चों, 1/6, जिसका हम डिनोमिनेटर थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे ताकि वो भी 24 हो जाए। तो हमने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सी का नया शेयर आ गया 4/24। अब रही बात न्यू रेशियो की, तो सबके नए शेयर को कंपेयर करिए बच्चों, 13:7:4। और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, जो बेशक आपसे क्वेश्चन में नहीं मांगा गया लेकिन आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं ए और बी के सेक्रीफाइस कंपेयर करके, 1:3। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ए बी और सी ये तीनों पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 3:2:1। इन्होंने डी को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/8 शेयर, और डी जो है वो अपना 1/8 शेयर कुछ इस तरह से ले रहा है, वो 1/16 शेयर ले रहा है बी से और 1/16 शेयर ही ले रहा है सी से। ठीक है बच्चों, जितना वो बी से ले रहा है वो बी का सेक्रीफाइस हो जाएगा, जितना वो सी से ले रहा है वो सी का सेक्रीफाइस हो जाएगा। और अगर आप 1/16 और 1/16 ऐड करेंगे तो ये होता है बच्चों 2/16 यानी कि 1/8। इसका मतलब ये हो गया कि डी अपना जो भी शेयर ले रहा है वो केवल बी और सी से ही ले रहा है, ए से वो कुछ ले ही नहीं रहा है, क्योंकि जितना उसने बी से लिया और जितना उसने सी से लिया दोनों को जोड़कर डी के शेयर के बराबर आ रहा है। इससे कन्फर्म हो जाता है कि इसने ए से कुछ नहीं लिया है। ठीक है बच्चों, यानी ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो बी का सेक्रीफाइस कितना है बच्चों, बी का सेक्रीफाइस है जितना उसने बी से लिया यानी कि 1/16। उसी तरह से सी का सेक्रीफाइस है जितना उसने सी से लिया यानी कि 1/16। सही है बच्चों। अब रही बात नए शेयर निकालने की, तो ए का तो नया शेयर वही होगा जो पहले था बच्चों, 3/6। बी का नया शेयर निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे सॉल्व करिएगा, ये आएगा बच्चों आपका 13/48। सी का नया शेयर जो है बिल्कुल इसी तरह से निकालेंगे, इसके पुराने शेयर में से इसके सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे, ये आएगा 5/48। डी का नया शेयर 1/8 है बच्चों। अब ए और डी के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको रीएडजस्ट करना है, उनको भी हमें 48 बना रहे हैं, तो इसको तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों 8 से ऊपर नीचे, ये हो गया 24/48। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 6/48। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सब ही पार्टनर के जो नए शेयर के डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल हो जाए। इससे नया रेशियो बताना हमारे लिए आसान होगा बच्चों, क्योंकि जब भी कोई रेशियो निकालना हो तो आपके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो नया रेशियो आ गया 24:13:5:6। सही है बच्चों। और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, जो केवल बी और सी का ही निकलेगा केवल, ठीक है बच्चों, क्योंकि ए ने कोई सेक्रीफाइस किया नहीं और डी तो नया पार्टनर है, वो सेक्रीफाइस तो नहीं करेगा, गेन जरूर करेगा।
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया बी और सी का 1:1। 1/16 और 1/16 को कंपेयर करेंगे तो 1:1 ही तो आएगा बच्चों, है ना बच्चों। इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए बच्चों। भारती और आस्था जो हैं, ये दोनों पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयर किया करती हैं आपस में इन द रेशियो 3:2। इन्होंने दिनकर को 1/5 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया और दिनकर अपना ये 1/5 शेयर भारती और आस्था दोनों से इक्वली एक्वायर कर रहा है। आपको बताना है बच्चों इन तीनों पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर दिनकर ने बता रखा है कि उसे अपना 1/5 शेयर इन दोनों पार्टनर से कैसे चाहिए, इक्वली चाहिए, है ना बच्चों। तो 1/5 का आधा देगी भारती और 1/5 का आधा देगा दिनकर, आधा देगी आस्था। तो भारती का सेक्रीफाइस हो गया, वन फिफ्थ का आधा यानी 1/10। ऐसे ही आस्था का सेक्रीफाइस हो गया, वन फिफ्थ का आधा यानी 1/10। यानी ये दोनों पार्टनर जो हैं भारतीय और आस्था, वो दोनों सेक्रीफाइस करनी है 1/10, 1/10। ठीक है बच्चों, हाफ ऑफ 1/5 याद रखिएगा, दिनकर का शेयर है 1/5, उसका हाफ हो गया 1/10 और 1/10 ही भारतीय ने सेक्रीफाइस किया, 1/10 ही आस्था ने सेक्रीफाइस किया। तो भारती का नया शेयर क्या होगा बच्चों, भारती का नया शेयर होगा उसका पुराना शेयर माइनस उसने जितना सेक्रीफाइस किया, ये आ गया 5/10। आस्था का नया शेयर क्या होगा बच्चों, आस्था का नया शेयर होगा उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/10। दिनकर का नया शेयर आपको पता है बच्चों, पर उसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करिएगा, डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 2/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया इन लोगों का बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो केवल भारतीय और आस्था का निकाला जाएगा, वो आएगा 1:1 इनके सेक्रीफाइस को कंपेयर करके। और नया रेशियो की बात की जाए तो वो निकल कर आएगा 5:3:2। वैसे क्वेश्चन में सिर्फ नया रेशियो मांगा था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने साथ साथ यहाँ पे निकाल के आपको बता दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, सेक्रीफाइस को कंपेयर करना तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया, नए शेयर को कंपेयर किया तो नया रेशियो आ गया। और याद रखिएगा कि जो नया पार्टनर का नया शेयर निकालना होता है किसी भी पार्टनर का, तो उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस किया जाता है तो उससे उसका नया शेयर मिल जाता है। भारती का नया शेयर जानने के लिए उसके हमने पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस किया, आस्था के नया शेयर निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस किया, और नए पार्टनर का शेयर तो पता ही था, बस उसे थोड़ा सा रीएडजस्ट किया। और कोई भी पार्टनर अपना शेयर अगर दो लोगों से इक्वली एक्वायर कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों पार्टनर उसके शेयर का हाफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर कोई भी पार्टनर अपने शेयर को तीन लोगों से इक्वली एक्वायर करेगा तो उसका मतलब तीनों पार्टनर उसके शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। मोहन और महेश ये दोनों पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 3:2। इन्होंने नुसरत को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/4 शेयर और नुसरत जो है वो अपना 1/4 शेयर इन दोनों से 2:1 के रेशियो में एक्वायर कर रही है। यानी नुसरत ने बता रखा है कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम मोहन एंड महेश। वो अपने शेयर का 2/3 लेगी मोहन से और अपने ही शेयर का 1/3 लेगी महेश से। तो इसका मतलब बच्चों मोहन का सेक्रीफाइस हो गया, नुसरत के शेयर का 2/3 यानी 2/3 × 1/4 यानी कि 2/12। ऐसे ही महेश का सेक्रीफाइस हो गया बच्चों, नुसरत के शेयर का 1/3 यानी 1/3 × 1/4। तो नुसरत के शेयर का 2/3 मोहन देगा, नुसरत के शेयर का 1/3 जो है वो महेश देगा। ये इनके आगे सेक्रीफाइस 2/12 और 1/12।
और रही बात इनके नए शेयर की, तो मोहन का नया शेयर आएगा बच्चों, मोहन्स न्यू शेयर इज इक्वल टू उसका पुराना शेयर जो कि 3/5 है माइनस उसका सेक्रीफाइस जो कि 2/12 है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों 26/60। महेश के नए शेयर के बारे में बात करें तो महेश का नया शेयर कुछ ऐसे आएगा, उसका पुराना शेयर है 2/5, उसका सेक्रीफाइस है 1/12, ये आएगा बच्चों 19/60। और नुसरत का शेयर तो हमें पता है बच्चों 1/4 है ना बच्चों, तो 1/4 को 60 बनाने के लिए, डिनोमिनेटर 60 बनाने के लिए ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा 15/60। ठीक है बच्चों, नया शेयर से नया रेशियो निकालना है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सभी के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम होने चाहिए। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 26:19:15, ये तो हो गया इनका नया रेशियो। रही बात सैक्रिफाइजिंग रेशियो की, वो तो क्लियरली दे ही रखा था 2:1, ठीक है मोहन और महेश का, और ये हो गया नया रेशियो इन तीनों का, मोहन महेश और नुसरत। क्लियर बच्चों?